तो जब आप जब स्क्रैप करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 4 to 6% ऑफ आपका व्हीकल का प्राइस आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा जब आप कार न्यू कार परचेज करने जाते हैं, ये सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं उस शोरूम वाले को, तो नियर अबाउट आपको 5 to 6% का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगा। प्लस ख़त्म नहीं है, और है। हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटर ड्राइव्स, एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच पाए ये इन्फॉर्मेशन। और इस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू कार्स एंड व्हीकल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड, तो मज़ा भी आएगा। और आज हम बात करने वाले हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, तो इस वीडियो को फुल तक देखिएगा, बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, कुछ मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं। आपके बेनिफिट कितना नए कार खरीदने से आपको बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में ही आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ईयर 2021 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी लाया गवर्नमेंट ने। तो इस पॉलिसी में जब हमारी कार पुरानी हो जाती है तो उसको रिसाइकिल करने के लिए हम अपनी कार को स्क्रैप में, मतलब कबाड़ में हम देना है। डरिए मत, आगे बहुत जानकारी है, धीरे धीरे ध्यान से सुनिए। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने बोला कि जो भी पुराने व्हीकल्स हैं मोर देन 15 ईयर्स एंड मोर देन 20 ईयर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, वो रोड्स पे जब चलते हैं या चलने लायक नहीं होते हैं तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है? पोल्यूशन को कम करना। जो गाड़ियों से हमारे भारत में जो गाड़ियों से इतना जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, तभी ये स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आए। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी व्हीकल की लाइफ 15 ईयर्स होती है। अब 15 ईयर्स के बाद वो व्हीकल्स ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं रैदर देन न्यू व्हीकल ऑन रोड। तो इस वीडियो में हम दो टाइप के व्हीकल्स को हम जानेंगे। मेन फोकस रहेगा हमारे पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। तो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो 20 ईयर्स, गौर करिएगा, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके लिए जो लाइफ है 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स से ज़्यादा के जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, अगर वो जो भी कमर्शियल व्हीकल जिनके 15 साल पूरे हो गए हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद रोड पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 1 जून 2024 तक अपने आप का फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पास नहीं कर पाएंगे, तो वो भी डीरजिस्टर हो जाएंगे वाहन पोर्टल से। तो आप भी चेक कर लीजिएगा आपका व्हीकल कौन से उसमें कैटेगरी में है, कौन सी डेट में वो व्हीकल डीरजिस्टर हो जाएगा। और ये जो फिटनेस पीरियड का जो पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है, एवरी 5 ईयर्स में आपको वो रेगुलरली कराना पड़ेगा। तो अब इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ये पॉलिसी क्यों आया? पहला तो मैंने बता दिया आपको, एंड आपको भी समझ में आ गया कि हमको एयर पोल्यूशन कम करना है, अपनी एयर की क्वालिटी थोड़ी बेटर करनी है, तो इससे ज़रूर होने वाली है, ज़रूर है इससे, क्योंकि जब व्हीकल्स हमारे पुराने व्हीकल्स जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो रोड पे कम आएंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा, बिल्कुल सही बात। सेकंड, इससे क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, पुराने व्हीकल्स को रिसाइकिल करना, क्योंकि अब पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, लोग अब 15 साल के बाद उस व्हीकल को ना बेच पा रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती अपने गैरेज में, अपने घर में वो एज अ कबाड़ रखना ही था, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो जाते, तो जनरली प्रेफर भी नहीं करते थे लोग। तो अभी स्क्रैप करने से क्या है, वो रिसाइकिल हो जाएगा। और जब आप अपना पुराना व्हीकल को रिसाइकिल कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, तो आपको न्यू व्हीकल परचेज जब करने जाएंगे उस पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्या क्या डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। और इनसे मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये भी था कि नए स्क्रैपिंग सेंटर्स इस पॉलिसी के अंडर सेटअप किए जाएंगे पूरे भारत देश में, एंड उससे न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है। तो इस पॉलिसी का वन एंड ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि एयर पोल्यूशन को कम करना है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब इस पर्पज़ के साथ और पर्पज़ भी जुड़े हुए हैं। तो सेकंड बेनिफिट ये है कि जब पुराने व्हीकल्स स्क्रैप हो जाएंगे तो न्यू व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। न्यू व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में बूस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है।
थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है, थर्ड बेनिफिट क्या है वो मैं समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुरानी कार जो एटलीस्ट 15 ईयर्स ओल्ड जो कार है उसमें इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं आते थे, प्लस वो पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करती थी, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती थी। तो अब जब लोग उसको स्क्रैप कर देंगे, न्यू व्हीकल्स परचेज करेंगे, तो हमारे जो भी गाड़ी खरीदने वाले हैं आप लोग, हम लोग, उसमें बेटर सेफ्टी एंड इन्हेंस सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। तो उस वजह से हमारे रोड एक्सीडेंट्स का शायद स्टैटिस्टिक्स भी कम हो जाए। तो अभी काफ़ी अच्छे अच्छे सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं कार्स में। सेफ्टी फीचर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगा सेफ्टी फीचर्स अबाउट कार्स। तो ये एक थर्ड बेनिफिट होने जाना है। फोर्थ बेनिफिट क्या होने वाला है इससे, जब स्क्रैपिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया खोले जाएंगे तो उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है, कुछ पीपी मॉडल पे वो लोग काम करेंगे, प्लस इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है, काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ऑल ओवर इंडिया। तो वो भी एक डायरेक्ट बेनिफिट है। प्लस लास्ट बेनिफिट जो है वो है, जब आप रिसाइकिल करेंगे इस जैसे पुरानी कार को, जब आप रिसाइकिल करेंगे उसका उसका मटेरियल हो जाएगा, उसका प्लास्टिक, उसका स्टील, उसके एल्यूमिनियम, उसके टायर्स, तो वो भी एक रेवेन्यू क्रिएट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा दूसरी जो कार्स, नए कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वो भी, उससे भी कार की कॉस्ट थोड़ी कम होने की उम्मीद है। तो इसमें चार कैटेगरी के व्हीकल्स आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो आएगी वो है कमर्शियल व्हीकल की। कमर्शियल व्हीकल आपके जैसे बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, जो ऑन रोड पब्लिक सेवा के लिए या किसी और काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो 15 ईयर्स एंड अबव इनकी लाइफ हो चुकी है तो ये स्क्रैप कर दिए जाएंगे। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ व्हीकल जो होंगे वो है गवर्नमेंट व्हीकल। गवर्नमेंट व्हीकल वो वाले व्हीकल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है उन व्हीकल्स को अपने काम के लिए। उनकी जो लाइफ होगी वो 15 ईयर्स होगी, तो जो 15 ईयर्स से ज़्यादा हो जाएंगे उनको भी, वो सारे व्हीकल्स को भी स्क्रैप करना पड़ेगा। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ व्हीकल जो है वो है प्राइवेट व्हीकल्स की कैटेगरी। अब प्राइवेट व्हीकल जैसे मैं ओन करती हूँ व्हीकल, कार ओन करती हूँ, आप कार ओन करते हैं, तो वो सब प्राइवेट कैटेगरी में जा रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में जो वाइट नंबर की जो नंबर प्लेट है, वाइट कलर की जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स में जाती हैं। तो अगर आपकी कार 20 इयर्स एंड मोर हो चुकी है उसका फिटनेस टेस्ट करा लीजिए, एंड अगर है ज़रूरत फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती है तो उसको स्क्रैप कर दीजिए। तो और लास्ट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स आती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है विंटेज कैटेगरी। विंटेज कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स वो होती है जो नॉर्मल एवरेज, मतलब आपके 20 ईयर से कहीं ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन वो कम रोड पर कम चले हैं एंड वेल मेंटेन्ड है। तो उनके लिए अभी कुछ बोला नहीं गया है कि उनका क्या करना है, बट वो भी इस कैटेगरी में कवर्ड है। तो ये फोर कैटेगरीज ऑफ व्हीकल है। अगर मैं आज की डेट में स्क्रैप करने की सोचती हूँ अपनी कार को, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आपके पास जो कार है, व्हीकल है, वो कितने ईयर्स से है। अगर 15 ईयर्स के आसपास से है तो आप उसको एक ऑथराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स पे आप उसको वहाँ पे ले जाइए, रजिस्टर करा दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंटर बोलता है प्रोवाइड करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोवाइड करिए, एंड उसके बाद फिर वो आपकी कार के इंस्पेक्शन करेंगे। कार का इंस्पेक्शन करने के बाद वो वाहन पोर्टल से आप कार के डिटेल्स एग्जामिन करेंगे। अगर वहाँ से उनको सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो उसके बाद वो आपकी कार को डिसमेंटल करेंगे, फिर आप उस स्क्रैपेज का जो वैल्यू है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, एंड एंड में आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैपेज वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैपेज। अब ये सर्टिफिकेट का इतना वैल्यू है तो एक कागज का पीस ऑफ पेपर ही है, बट उसका इतना वैल्यू है कि आप जब न्यू कार परचेज करने जाएंगे उस पर आपको बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जब आप जब स्क्रैप करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 4-6% ऑफ आपका व्हीकल का प्राइस आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा जब आप न्यू कार परचेज करने जाते हैं, ये सर्टिफिकेट आप दिखाते हो शोरूम वाले को, तो नियर अबाउट आपको 5-6% का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगा। प्लस खत्म नहीं है, और है, प्लस आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, एंड लास्ट आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपके जनरली जब आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं तो
आपको कुछ ना कुछ, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देना पड़ता है, तो वो फीस आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो था रिगार्डिंग स्क्रैपेज पॉलिसी, उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।